हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं सेकंड सम पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो अब ये सम सॉल्व करने से पहले हम लोगों को ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है ये 2x + y + 8, आई एम अ रेक्टेंगल, एक लेंथ का इतना दिया हुआ है, दूसरे लेंथ का 4x - y, फिर उसके बाद में ब्रेथ दिया है 2y, दूसरे का दिया है x + 4, हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो चलो ये हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो, आई एम अ रेक्टेंगल बोला है, क्या बोला है, रेक्टेंगल अगर इसको बोला है तो ये बात तो हम लोगों को मालूम ही है कि क्या है, इसका जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अगर 4 है तो ये भी 4 रहेगा, ये 2 है तो ये भी 2 रहेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोगों को, बेसिक बातें इसकी पता है पहले से ही। तो अब हम लोगों को शुरुआत करना है ये सम का, तो x और y ढूंढना है हम लोगों को। तो हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को यूज़ करके ही ये सम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दो, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो हम लोगों को ये बात एक पता है, वी नो दैट, हमको क्या पता है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, ये बात पता है। तो अब ये लेंथ और ये लेंथ, तो हमारा ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। तो लेंथ इज इक्वल टू 2x + y + 8 इज इक्वल टू x + 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो क्या आएगा, xx का जो वैल्यूज़ है वो हमारी एक साथ में आएगी और yy एक साथ में आएगा। ठीक है, तो एक मिनट, ये 4x - y आएगा यहाँ पे, 4x - y। ठीक है, ये x + 4 नहीं, मैंने गलती से लिख दिया था, ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 2x - 4x, फिर उसके बाद में प्लस y, और ये माइनस वाई यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, -8। अब हम लोग ये इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे, तो 2 में से -4 गया तो कितना बचा, -2x + 2y इज इक्वल टू -8। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, मैं क्या करता हूँ, ये पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा, ये -x + y इज इक्वल टू -4, तो दिस विल बी माय फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद में ब्रेथ, ब्रेथ क्या क्या दिया है हम लोगों को, 2y और x + 4। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये बात पता है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या आएगा, ये 2y इज इक्वल टू x + 4। तो वेरिएबल वेरिएबल को एक साथ में करना है, तो क्या हो जाएगा, ये -x + 2y इज इक्वल टू 4, दिस विल बी अवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग अब इसको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसमें -x + y इज इक्वल टू -4 और -x + 2y इज इक्वल टू -4। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा, ये तो कट जाएगा हमारा, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू -, बट माइनस साइन, तो -8 आ गया, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 हो गया। अब y इज इक्वल टू 8 हो गया, तो हम लोगों को क्या करना है मालूम है क्या,
खाली अब ये y को पुट करना है, हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4, तो माइनस एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 16, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 12, ये दोनों कैंसिल हुआ, फिर ये x इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। तो इसी के साथ हम लोगों को x और y का वैल्यू भी मिल चुका है, तो क्या है वो 12 और 8 है। फिर उसके बाद में हम लोग लेंथ का फाइंड करेंगे, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या है हमारा, देखो कोई भी एक ले सकते हो तुम, चाहे ये लो चाहे ये लो, कोई भी एक ले सकते हो। मैंने ये 4x माइनस वाई वाला लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा हमारा। 4 इंटू 12 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 माइनस 8 इज इक्वल टू 40, तो लेंथ इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। अगर हम लोग ये भी लेते थे तो भी आंसर उसका 40 आता था, आपकी मर्जी, आप कोई भी ले सकते हो इक्वेशन। अब मैं दूसरा ब्रेथ में 2y ले लूँगा, तो 2y तो क्या है ये हमारा 2 इंटू 8 तो इज इक्वल टू 16, तो ब्रेथ कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। फिर उसके बाद में अब मुझे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या होता है इसका मतलब, सम ऑफ ऑल साइड्स। नहीं तो फिर हम लोगों का रेक्टेंगल के लिए हम लोगों का फॉर्मूला है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 2l प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितना था हमारा, 40 था और ये 16 था, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 56 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 10 11, तो ये कितना आ गया, 112 यूनिट्स आ गया। फिर उसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम लोगों को पता है पहले से ही, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना है, 40 इंटू 16 64, तो ये आंसर हो गया हमारा, 16 इंटू 4 64 है, तो ये 0, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर यूनिट, तो ये एरिया भी हमारा लगभग आ गया। तो ये एकदम सिंपल सम था, हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोगों को ये रेक्टेंगल दिया है, हम लोगों को रेक्टेंगल के बारे में पता है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो बस वही हम लोगों ने लिखा, फिर एक इक्वेशन बनाया, फिर वैसे ही हम लोगों ने ब्रेथ का भी इक्वेशन बनाया, फिर सबट्रैक्ट किया, फिर हमको वाई का वैल्यू फाइंड हुआ, तो वाई के वैल्यू को हम लोगों ने कोई भी एक इक्वेशन में, 1 और 2 में से कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग डाल सकते थे, हम लोगों ने 2 में डाला, उधर से हमने एक्स का वैल्यू फाइंड किया, फिर हम लोगों ने लेंथ फाइंड किया, जैसे कि इसमें बताया था हम लोगों को। हाँ, क्यों ये लेंथ क्यों फाइंड करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों को पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना था, तो लेंथ के लिए हम लोगों ने कोई भी ले सकते थे, जैसे ये या ये, हम लोगों ने ये वाला लेके वैल्यू पुट करके लेंथ लेके आए, फिर ब्रेथ में हम लोगों ने 2y पुट करके ये 16 लेके आए, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला है जो क्या है, 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, वो करके हम लोगों के सब आंसर आ चुके हैं।